नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, यूं तो हमारे आसपास कई दिव्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं, लेकिन पहचान और सही जानकारी न होने के कारण हम उनके लाभकारी फायदों से वंचित रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाघ नखी के पौधे की। इसे संस्कृत में काकनासा, हिंदी में उलट कांटा नाम से जाना जाता है। इसके फल बाघ के नाखून के समान होने से इसे बाघ नखी के नाम से जानते हैं। इसी कारण अंग्रेजी में इसे टाइगर्स क्लॉ, कैट्स क्लॉ या डेविल्स क्लॉ कहते हैं। इसका लैटिन नेम मार्टिनिया एनुआ है। आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बाघ नखी का पौधा हमें आसानी से सड़क के किनारे, बंजर ज़मीन पर भी लगा हुआ मिल जाता है। इसका छोटा पौधा होता है जो लगभग 3 फीट ऊंचा होता है। इसका तना, टहनियाँ और पत्ती भी रोएदार होती है। इसकी पत्तियाँ किनारे पर दंतुर, आगे से पतली और पीछे की ओर चौड़ी होती हैं। इस पौधे की खास पहचान इसके फल और फूल से होती है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं जो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। यह फूल घंटे के आकार के, पीछे से सफ़ेद और आगे की इसकी पंखुड़ी गुलाबी होती है। पंखुड़ी पर बैंगनी रंग के धब्बे होते हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बाघ नखी के फल कच्ची अवस्था में हरे अंडे के आकार के, नीचे से बाघ के नाखून के समान लटके हुए होते हैं। दोस्तों, जब यह फल पक जाते हैं तब इनका बाहर का खोल या आवरण फट जाता है और अंदर काले रंग का, बाघ के नाखून के समान कठोर काले रंग का बीज निकलता है। इस पर 4 से 5 धारियां होती हैं। यह विचित्र फल आपको दूर से ही इस पौधे की पहचान करा देगा। यह बिच्छू जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे बिच्छू फल कहते हैं। दोस्तों, बिच्छू फल और बिच्छू बूटी, यह दो अलग अलग पौधे होते हैं। कई लोग इस पौधे को भूलवश बिच्छू बूटी समझ लेते हैं, लेकिन यह पौधा बिच्छू फल का पौधा है, बिच्छू बूटी का नहीं। आप वीडियो में बिच्छू बूटी का पौधा देख रहे हैं। इसे देखने के बाद दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। दोस्तों, बाघ नखी बुखार में बहुत फ़ायदा करती है। इसके फल का चूर्ण बनाकर शहद के साथ लेने से फ़ायदा होता है। इसकी पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जिस कारण से यह त्वचा की सभी बीमारियों में फ़ायदा करती है। दांत, खुजली में इसकी पत्तियों का लेप बनाकर लगाने से फ़ायदा होता है। कहीं पर चोट लग जाए तो भी यह घाव तुरंत भर देती है। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए इसके फूल को सुखाकर चूर्ण बनाकर देने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, बाघ नखी के फल दिमाग के तंतुओं, नर्व्स को स्टिमुलेट भी करते हैं। इसके फल सुखाकर चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करने से बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी बाघ नखी के बारे में। ऐसी ही औषधियों की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।